हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वाति जेटली आज अपनी नई रेसिपी के साथ आई हूँ। आज हम शरीफे की बासुंदी बना रहे हैं। चलिए अब हम बनाना शुरू करें। बासुंदी बनाने के लिए हमने पके हुए शरीफे लेने हैं, हल्के छिलके के होने चाहिए। दो शरीफे लिए हैं मैंने। इसे हम बीच में से तोड़ेंगे और इसका पल्प निकाल लेंगे। दूसरी तरफ हमने गैस पर फुल फैट क्रीम दूध रखा है, 1 लीटर है। इसे हम धीमी आंच पर खौलने देंगे। शरीफे का सारा पल्प हमने निकाल लिया। एक छन्नी रखेंगे बाउल पे और सारा पल्प इस छन्नी में डाल देंगे और इसे 1 चम्मच की मदद से दबा दबा कर सारा पल्प निकाल लेंगे। आप देख सकती हैं सारा पल्प निकल चुका है, पल्प हमारा तैयार है। दूसरी तरफ हमारा दूध भी गाढ़ा हो रहा है। इसमें चीनी अगर आप डालना चाहें तो डाल सकती हैं, अगर नहीं डालना चाहें तो बिना चीनी के भी बना सकती हैं। मैंने इसमें 1/2 कटोरी के बराबर चीनी डाली है। दूसरी तरफ थोड़ा सा हमने दूध लिया, उसमें केसर के धागे डाल लिए हैं। केसर के धागे अब हम इसमें डाल रहे हैं और इसे अच्छी तरह चला लेंगे। कुछ बारीक चॉप किए हुए ड्राई फ्रूट डाल रहे हैं। आप अपने पसंद के हिसाब से जो ड्राई फ्रूट डालना चाहती हूँ वो ड्राई फ्रूट डालें। 1/2 चम्मच मैंने इसमें इलायची पाउडर डाला। ये पूरी तरह से गाढ़ा हो चुका है और ठंडा भी हो चुका है। अब हम इसमें पल्प डालेंगे। जब तक ये ठंडा ना हो तब तक आप पल्प ना डालें, नहीं तो दूध आपका फट जाएगा। अब हम इसे सर्व करेंगे। इसे मैंने सर्व कर दिया, ऊपर से काजू से गार्निश किया है। आप किसी भी ड्राई फ्रूट से गार्निश कर सकती हैं। आपने देखा बासुंदी बनाना कितना आसान है। ये एक ट्रेडिशनल डिश है, इसे आप एक बार तो ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मेरे अगर चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।